भी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से वापस जाने पर पाकिस्तानी शायकीन परेशान थे कि अचानक इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी आज खबर आई कि अक्टूबर में खेले जाने वाले T20 मैचेस की सीरीज के लिए आने से इनकार कर दिया है। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने न्यूजीलैंड और बरतानिया क्रिकेट टीम के दौरों की मनसूखी को हल्की फुल्की मौसीकी करार दे दिया। कहते हैं, क्रिकेट गोरों का खेल और हमारा शौक है, इसे शौक ही रहना चाहिए, नशा नहीं बनना चाहिए। अपनी सेक्रीफाइस करें, अपनी ईगो को, फैंस की इज्जत को, ये होने वाला नहीं है। So, मैं इनसे कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात करूंगा, आईसीसी के ऊपर, कि इसका कोई लाया अमल होना चाहिए जहां पे हमें गारंटीज हों। मुझे रमीज राजा को देख के ना, रिजवान हैदर साहब, उन्होंने जो रात को फिर अपने यूट्यूब और पीसीबी के यूट्यूब पे दिया है, मुझे इमरान खान याद आ गया। मैं इनको घसीटूंगा, मैं इनको रगेड़ूंगा, मैं इनको ये करूंगा, मैं इनको वो करूंगा, मैं मुझे लगता है कोई बकरी ना निकला उस मैं में से। आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत एक वक्त पे कि जिस वक्त वो अपने नेशनल पोडियम से ये जहर उगल रहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, सारी दुनिया कह रही थी इंडिया, मैं कह रहा था नहीं, बरतानिया इतना बड़ा ऐसी बड़ी फनकारी बरतानिया कर सकती। अब क्या होता है वहां, हमारा क्लेम है 2 अरब का नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान है 10 अरब का अल्टीमेटली। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का क्रिकेट दौरा रद्द कर दिया, उसके बाद अब इंग्लैंड टीम ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान मुंह उठा के भारत का नाम लगा देता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ही बोल रहा है कि यह सब भारत ने नहीं बल्कि इंग्लैंड ने किया है, लेकिन भारत ने कहा ही था कि पाकिस्तान को जब तक आइसोलेट नहीं करेंगे यहाँ से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की कितनी बुरी हालत हो गई है ये माहौल देखकर, और वो क्या कह रहे हैं अपने इस हालात के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाइए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। क्या चीज है कि मुझे ये बताओ कि अगर दिसंबर में टूर है तो अक्टूबर में आप आके मुझे कहोगे कि जी आज जो है वो हम नहीं आ सकते हैं, तो फिर हम जो है वो इसी तरह से जो है वो अपनी सेक्रीफाइस करें, अपनी ईगो को, फैंस की इज्जत को, ये होने वाला नहीं है। सो मैं इनसे कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात करूंगा आईसीसी के ऊपर कि इसका कोई लाया अमल होना चाहिए जहां पे हमें गारंटीज हों। और ठीक है, मान सकते हैं कि अगर टर्बुलेंस होती है तो हम खुद ही ना शायद बुलाएं। पॉइंट ये है ना कहने का, हम भी कोई ऐसे नहीं है इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट बोर्ड। हमें पता चल जाता है कि जब सिचुएशन जो है वो नाजुक होती है कि हम किसी को बुला के और अपने आप को जो है वो भी एंडेंजर नहीं करना चाहते ना। दोनों टीम्स की बसेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की इकट्ठी रवाना होती हैं। सो ये नहीं था कि न्यूजीलैंड को थ्रेट था और वो शेयर नहीं किया तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए थ्रेट नहीं था। ये मुझे समझ नहीं आई कि हम कोई लेसर लोग हैं। हमें बताओ तो सही कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए बता दो, तुम चले तो गए दुबई से, तो हमें अब तो शेयर करो ना। मुझे रमीज राजा को देख के ना, रिजवान हैदर साहब, उन्होंने जो रात को फिर अपने यूट्यूब और पीसीबी के यूट्यूब पे दिया है, मुझे इमरान खान याद आ गया। मैं इनको घसीटूंगा, मैं इनको रगेड़ूंगा, मैं इनको ये करूंगा, मैं इनको वो करूंगा, मैं मुझे लगता है कोई बकरी ना निकला उस मैं में से। कहते हैं नाज़रीन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा। अभी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से वापस जाने पर पाकिस्तानी शायकीन परेशान थे और न्यूजीलैंड टीम के अपने कप्तान मायूसी का इजहार कर रहे थे कि अचानक इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी आज खबर आई कि अक्टूबर में खेले जाने वाले T20 मैचेस की सीरीज के लिए आने से इनकार कर दिया है, और इसकी वजह भी सिक्योरिटी के खतरात ही बताया गया है। अब एक और नई बात सामने आई है कि एक 5 आईज नामी इंटेलिजेंस इत्तेहाद, जिसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा, न्यूजीलैंड, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनको बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे की खबर थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हजारों मील दूर से मिलने वाले दहशतगर्दी के थ्रेट को पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ आखिर शेयर क्यों नहीं किया गया। अब ज़रा हारून साहब, क्रिकेट की बात करनी, न्यूजीलैंड की बात करनी है मुझे, ये बताइए
कि कितना नुकसान हुआ पीसीबी को, होगा क्या, और फाइव आइज की आप क्या बात कर रहे थे? देखिए, नुकसान इस मैच के मंसूख होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 अरब का नुकसान हुआ। ये सीरीज जो मंसूख हुई जी। अच्छा, अब उसमें जो उसकी तश्कील है क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की, उसमें बिग थ्री हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने एग्री करके बहुत बड़ी गलती की। नजम सेठी साहब ने क्रिकेट को चलाया तो बहुत अच्छे, इसमें कोई शुबा नहीं। उनके बाद क्रिकेट रूबा जवाल हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती की। अब क्या होता है वहाँ, हमारा क्लेम है 2 अरब का नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान है 10 अरब का अल्टीमेटली, क्योंकि बरतानिया भी अब नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि बरतानिया, सारी दुनिया कह रही थी इंडिया, मैं कह रहा था नहीं, बरतानिया इतना बड़ा ऐसी बड़ी फनकारी बरतानिया कर सकता है, अब जरा ये कह रहे हैं। बहरहाल जो भी हकीकत है वो छुपी तो नहीं रहेगी। उन्होंने आना था, ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद फरवरी में, वो भी नहीं आएंगे। टोटल नुकसान 10 अरब रुपये का बनता है, और पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हुआ, सरमायाकारी नहीं होगी। फिर ये है कि एक कंपेन शुरू हो गई है, ब्लूमबर्ग जो बहुत अहम जरीदा है जी, उसने एक मजमून छापा पाकिस्तान को फेटर में, यानी बात अफगानिस्तान की है। हारे आप हैं, झक आपने मारी है, आपका मीडिया और आपके लीडर कह रहे हैं कि हमला करने का फैसला ही गलत था। जो फैसला ही गलत था तो उसका नतीजा गलत ही होना था ना, जिस इमारत की बुनियाद ही गलत थी। पाकिस्तान को फेटर में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, स्मार्ट सेंक्शन, यानी ईरान से कुछ कम पाबंदियां लगा दी जाए। देखिए, सुपर पावर जो होती है वो सिर्फ सुपर पावर इसलिए नहीं होती कि उसकी माली हैसियत बड़ी है। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने न्यूजीलैंड और बरतानिया क्रिकेट टीम के दौरों की मनसूखी को हल्की फुल्की मौसीकी करार दे दिया। कहते हैं कि दौरों की मनसूखी पर मीडिया को इतना संजीदा नहीं होना चाहिए, हमने से मुश्किल वक्त देखा है, क्रिकेट गोरों का खेल और हमारा शौक है, इसे शौक ही रहना चाहिए, नशा नहीं बनना नहीं बनना चाहिए, कोई टीम नहीं आई तो नो इशू, हम भी मुंतजर नहीं। पाकिस्तानी फैंस जो कि बहुत मोहब्बत करते हैं ना क्रिकेट से, वो उनका जैसे दिल टूटा एक के बाद एक, वो ठीक, लेकिन जैसे फैसल ने कहा कि हम बल्ले और गेंद से जवाब देंगे, इसके लिए हमें एक होके अब तैयारी करनी है। क्यों, अब ये क्यों जरूरी है, स्पोर्ट्स की रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत एक वक्त पे कि जिस वक्त वो अपने नेशनल पोडियम से ये जहर उगल रहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, उनका ये ख्वाब तो हो गया चकनाचूर, और अब उन्होंने ये पैंतरा अपनाया है कि क्योंकि पाकिस्तान पहचाना जाता है पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की वजह से, अपने लेजेंड्स की वजह से, और ऑब्वियसली वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो क्यों ना हम पाकिस्तान के इस सॉफ्ट इमेज को खराब करें, क्यों ना हम पाकिस्तान की इस प्राइड को पाकिस्तान से छीनने की कोशिश करें।